भाग्य के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अभी प्रज्ञा को तनु के घर ले जाता है प्रूव करने के लिए कि तनु की प्रेगनेंसी एक नाटक है। अभी तनु को बोलता है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराए। तनु मना कर देती है और बोलती है कि उसे और कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अभी तनु को गुस्से में बोलता है कि वो अपना मुंह उसे वापस ना दिखाए कभी और वहाँ से चला जाता है। प्रज्ञा तनु को प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लेती है और बोलती है कि उसे लास्ट चांस दे। अभी सोचता है कि अगर प्रज्ञा दादी के साथ अच्छे से ना बात करने का नाटक कर सकती है तो वो अभी के साथ भी प्यार ना करने का नाटक कर सकती है। इसीलिए अभी नाटक करता है ड्रंक होने का और प्रज्ञा के करीब आकर देखना चाहता है कि उससे कैसा फील होता है। नाटक में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आगे के एपिसोड्स में हम ये देखेंगे कि अभी प्रज्ञा को बोलता है कि अगर तनु प्रेग्नेंट नहीं है तो वो दादी से कैसे माफी मांगेगी। प्रज्ञा अभी को काउंटर क्वेश्चन करके पूछती है कि अगर प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो वो क्या करेगा। यह है मोहब्बतें में हमने अब तक देखा कि सुबू का एक नया रूप नजर आता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एसीपी अभिषेक मिहिर से मिलके शगुन के बारे में बातचीत करते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें पता नहीं कि शगुन का क्या प्लान है, पर जैसे ही उन्हें कुछ प्लान के बारे में पता चलता है वो उसे बता देंगे। तभी वहाँ मिहिका आ जाती है और अभिषेक से कहती है कि उसे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। तब वो कहता है कि वो शगुन के बारे में बात करने आया था। मिहिका सेज शगुन कैन फॉल टू एनी लेवल टू फुलफिल हर मोटिव। चेक सिंह एजेंट से शगुन के पासपोर्ट के बारे में पूछता है। वो उसे कहता है कि एक टिकट पेंडिंग था और बाकी दो कन्फर्म थे। जब अभिषेक उससे नाम पूछता है तब वो कहता है कि ही शुड हैव वार्डन टू गेट डिटेल्स। शगुन अशोक को कहती है कि वो अपने बच्चों के साथ चली जाना चाहती है। सुब्बू अपने डॉक्टर से मिलता है और उसे कहता है कि जब भी वो उस इंसिडेंट के बारे में सोचता है उसे गुस्सा आता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि विल एसीपी अभिषेक फाइंड आउट व्हाट शगुन इज अप टू। जमाई राजा में हमने देखा कि नानी को शिव पे डाउट होता है। रोशनी और सिड और प्लान्स बनाते हैं ताकि शिव को घर में सब एक्सेप्ट कर ले, जिसपे रोशनी कहती है कि नानी डीडी को शिव के जरा भी पास नहीं आने देगी और ना ही खुद बात करेगी। सिड प्लान बनाता है कि मोना बुआ की मदद से वो सबको शिव को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर देगा और फिर उनका परिवार फिर से एक हो जाएगा। दूसरी ओर सिड की मॉम बहुत गुस्सा होती है क्योंकि सिड बार बार रोशनी के पास चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिड और रोशनी कार में साथ में होते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिसके बाद रोशनी सिड को गुस्सा करते हुए कहती है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। एक तरफ वो कहता है कि वो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता और दूसरी तरफ उसके मदद के लिए हर टाइम रेडी हो जाता है। रोशनी सिड से जवाब मांगती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। डिवोर्स के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन वो मिले नहीं हो, पर इस बात का जवाब सिड के पास नहीं होता है। आगे ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि सिड और रोशनी की कहानी उन्हें कहाँ ले जाती है। जोधा अकबर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जोधा जलाल की हालत को लेकर काफी चिंतित है क्योंकि जलाल अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। प्रताप सलीम को किडनैप करने का जाल बिछाता है। सलीम वहाँ रहीम के साथ प्रताप को हरा कर अकबर से भी महान होने के बारे में बातचीत करता है। जब बिरबल और जलाल बातें कर रहे होते हैं तब जलाल को लगता है कि बिरबल काला जादू का मंत्र पढ़ रहा है और इसीलिए वो उस पे चिल्लाता है। दम्मो लीला से कहती है कि जब तक जोधा है तब तक जलाल उसके काबू में नहीं आएगा। दूसरी ओर दम्मो होशियार पर काला जादू करके उसे रुकैया के खिलाफ कर देती है। आरम और जोधा लुका छुपी खेल रहे होते हैं तभी आरम दम्मो के कमरे में जाकर छुप जाती है और वहाँ जोधा आती है। आरम जलाल की मूर्ति देख कर उसे अपने साथ ले जाती है। तभी लीला और कुछ मूर्तियां लेकर आती है और आरम को कहती है कि वो ये भी ले जा सकती है। बाकी मूर्तियों को देखकर आरम जलाल की मूर्ति रख देती है और वो बाकी ले जाती है। लीला जलाल की मूर्ति दम्मो को वापस दे देती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू टेलीटॉक इंडिया।